अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में पेश है क्राइम टुडे न्यूज। माशरे के खामियों को, सरकारी महकमों की लापरवाही को उजागर किया जा रहा है। मैं सैयद अरशद, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। मैलाड़देवपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद मुथूट फाइनेंस कंपनी में डकैती करने वाले अफराद को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया। तफसीलात के मुताबिक 4 जुलाई 2017 को सुबह 10:30 बजे के वक्त शेख अब्दुल लतीफ नामी शख्स ने मैलाड़देवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की, जो मुथूट फाइनेंस कंपनी में मैनेजर है। उन्होंने बताया कि 4 जुलाई 2017 को सुबह 10 बजे के वक्त दो अफराद एक गोल्ड रिंग मुथूट फाइनेंस लेकर आए और उसी वक्त डकैत गैंग हथियारों के साथ फाइनेंस कंपनी में दाखिल होकर वहां से लूटने की कोशिश की, लेकिन उस कस्टमर के पुकारा करने की वजह से वो लोग अपने डकैती में कामयाब नहीं हुए और वक्त रहते वहां के मैनेजर ने सायरन बजाया और लोग जमा होते ही ये डकैत वहां से फरार हो गए। मैनेजर शेख अब्दुल लतीफ ने मैलाड़देवपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी और छानबीन के दौरान पुलिस ने डकैती करने वाले अफराद को अपनी हिरासत में लिया, जिनके नाम है मोहम्मद शरीफ अब्दुल कादर, उम्र 42 साल, मुंबई महाराष्ट्र का साकिन, अरशद फुलमुद्दीन खान, शफीउद्दीन नवाबुद्दीन सैयद अलियास शफी, राजेश अलियास अन्ना जो फरार है, फारूख अलियास इफ्तेखार जो अभी फरार है, संतोष दशरथ वीरकर, मोहम्मद दत्सगीर, शेरू खान अलियास शेरू जो अभी फरार है। पुलिस ने इन सभी अफराद को गिरफ्तार करके अदालत की तहवील में दे दिया। शेख आसिफ के साथ मैं मोहम्मद इब्राहिम, क्राइम टुडे न्यूज, हैदराबाद। बार बार पुलिस आ रहा है ये केस करने से पहले ये ऑलरेडी डन 14 क्राइम हाउस ब्रेकिंग और उसमें से दो केसेस में इसको कन्विक्शन आया। अभी इसने हमारे पास 19 केसेस किए हैं, अलवार, आरतीपुरम, उसके बाद अमीनपुर पीएस एंड जगतगीर गोड्डा पीएस एंड इसमें टोटल गोल्ड लॉस 60 तोलास बट वी हैव बीन ओनली एबल टू रिकवर 35 तोलास। रिमेनिंग रिकवरी इज देयर बट स्टिल इज देयर विद अस। हम जल्दी से अरेस्ट हो कर दिए। जहां पर गोल्ड नहीं मिल रहा एट 10 प्लेसेस हियर टीवी का चोरी करके लेके गया है। तो दिस इज अ वेरी पोटेंशियल गैंग हु हैव डन ऑलमोस्ट 19 और कितना किया हमको नहीं मालूम है बट 19 केसेस इमीडिएटली 3-4 डेज में एक एक चोरी कर ले रहे थे ये गैंग। हम बहुत परेशान थे इनके लिए बट थैंक्स टू द गुड वर्क डन बाय सीसीएस बालानगर दिस दे हैव बीन एबल टू डिटेक्ट दिस 19 केसेस। तो इसमें भी अपना डीसीपी क्राइम, अपना एडीसीपी क्राइम मिस्टर श्रीनिवास रेड्डी और ये पूरा सीसीएस का टीम का दिस इज द गुड वर्क डन बाय देम। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।